हाय दोस्तों स्वागत है तुम्हारी तो इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको देख कर आया हूँ अलग अलग तरीके के फ्लावर वंचेज़ ठीक है ये बहुत सारे फ्लावर वंचेज़ कोई सन फ्लावर है कोई रोज़ फ्लावर है मैं आपको सारे बता देता हूँ कि ये कौन कौन से फ़्लावर है क्या क्या होता है और ये किस तरीके से दिखाई देते हैं ये देखो कितना अच्छा लुभ आता है अब मैं इनको ऊपर एक बेस में डाल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखें ये दिखेंगे या दोस्तों ये देखो मैंने ये सारे बेस में डाल दिए हैं ये इस तरीके से दिखाई देते हैं इनकी जो आइट है वो थर्टी सेंटीमीटर आई है यानी बारह इंच की आइट है देखिए ये सारे बच्चे नंगे डाल दिए हैं टोटल छः या सातवें चीज़ हैं और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं मल्टी फ्लावर है ठीक है ये दो पूरा रुख है आप चलो मैं इनकी आपको एक ही करके मैं दिखा देता अभी क्या क्या है ये ठीक है ये देखो दोस्तों ये खुशी फ्लावर है जो ब्लू कलर का है और ये बेलबेट लीएगी ठीक है ये बेरोइट कपड़े की है और इस फ्लावर को लिली फ्लावर वंच बोलते हैं या तीन लिए फ्लावर वंच की बैठते हैं यह देखो ये तो सबको पता है ये कौन सा फ्लावर वंश है सन फ्लावर वंश और ये खुशी है तो जो ब्लू कलर का था ये रेड कलर का है ठीक है और ये हमारा सबसे अच्छा फ्लावर वंच है जो काफ़ी अच्छी सेंगे में रहते हैं हमें सब इस फ्लावर का नाम है धैया फ्लावर वंश अब देखिए इस तरीके से इसकी क्वालिटी है देखो और हाँ, ये वन चीन लोग सभी पे हैं रोज फ्लावर माइ जी हाँ वोस्तों ये इस तरीके से हैं पर सभी की हाइट है ठीके? ठीके? ठीके की जो हाइट है वो थर्टी सेंटीमीटर प्लस है ठीक है क्योंकि थर्टी क्यों बता दो ना ऐसे ही तीसरी तीसरी बीच में ये फिलर आप देख रहे हो ये फिलर आ से पाँच छः अगर जिसमें फिलर नहीं लगाया है जैसे ये रोज़ वो वाला फिलर इसमें नहीं है तब भी इसकी हाइट जो है वो थर्टी सेंटीमीटर प्लस है यानी बारह इंच से ऊपर ही है ठीक है तो जो सबकी हाइट है वो बारह इंच से ऊपर है तो इस तरीके से फ्लावर दिखता है अब मैं इनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही तो ये कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जो वॉसिबल ना हो ये सारे फ्लावर वॉसिबल हैं आप इन सभी को वॉश कर सकते हैं तो अनकबल है सारे सारे सारेंगे सारे अनुप्रित कवल है चलो मैं ये जो सबसे ज़्यादा दिखता है मैं इसको एक आपके सामने इसको तोड़ सक के दिखा देता हूँ चलो वो फैड पहले सारे फ्लावर को मैं इस तरीके से ट्रेस करके दिखाता हूँ देखो कोई भी फ्लावर हम प्रेस कर लेते हैं इसमें कुछ भी कर लेते हैं दौड़ लेते हैं पर उसका कुछ नहीं गुजरता है अक्टर एक बच्चे ले लेते हैं अब मैंने इसको भी प्रेस, प्रेस किया ये देखने कि पूरा प्रेस किया आपको दिख रहे हैं कि मैंने तीन फ्लावर को पूरा प्रेस कर रखा लेकिन छोड़ दे दें मेक वो तीन फ्लावर भी एस्टेज अपनी पोजिशन में वापस आ गए ये वासीबल है अनुरिक है अब अलग देख दे देखो मैं उसका मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ ये देखिए मैं इसको पूरा बैंड कर देता हूँ ये देखो मैंने बैंड कर दिया अब वेट करते मैं इसको यहाँ पर पकड़ते ही रखूँगा ये पकड़ते ही रखूँगा ठीक है ये देखो पूरी तरीके से बैंड हो गया है लेकिन ये फ्लावर ख़राब नहीं हुआ है ना ही वंच ख़राब हुआ है क्योंकि ये टेढ़ा हुआ है इसके अंदर सभी के अंदर वायर होती है वायर जो टेढ़ी हो गई है ठीक है उसको दोबारा से यहाँ सीधा कर लेते हैं ठीक है जो वायर टेडिंग हुई है उसको सीधा तफते हैं ऐसे ही दफ्ते जैसे टेढ़ा किया था अब उसके अपोजिट में टेढ़ा करेंगे तो ये सी थी बहुत आएगी ठीक है अब ये देखिए जो भी फवाफा है जैसा भी है जो भी वंच है वो देखो अपने पोजिशन में फिर से वापस आ चुके हैं तो अगर ये आपको पसंद आए हैं फवागर वो चीज़ तो यहाँ से आप ले सकते हैं थैंक यू दोस्तों वीडियो दो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद